परमेश्वर माइक्रोस्कोप लेकर आपने जो भी लाया उसके अंदर हजारों गलतियां नहीं ढूंढता है। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। जब आप उसे परमेश्वर के पास लेकर आ रहे थे तो दिल में क्या सोचा? परमेश्वर जानता है संसार में कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आपके दिल में यानी परमेश्वर दिल को देखता है और मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। Your presence is heaven to me. 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 लय व्यवस्था अध्याय 2:14। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बाले, इन बालों को मिज के निकाल लेना। मुझे अनुवाद पसंद है। हरी भरी और बिल्कुल ताजी बाले लाना। जब तुम पहली उपज चढ़ाते हो यानी पहले फल को लाना है और ये तो सबसे पहली बात है, लेकिन वो कहता है नए साल हरी हरी ताजी बालें कुचली हुई लेकर आना। इसका मतलब है सबसे उत्तम। हाँ, ये बहुत ही उत्तम तरीके से बताया, हिंदी में अच्छे से समझा कर बताया। हाँ, हरी हरी बालें मतलब ये जो अच्छी है और हरे रंग की हैं,
जो हरी भरी हैं, मतलब बिल्कुल ताजी हैं, जानते हैं परमेश्वर कहता है मुझे बस ऐसा ही कुछ नहीं देना, तुम सबसे पहला मेरे लिए लेकर आना, पहला मेरे लिए लाना और सबसे उत्तम लाना। शायद आप कहें प्रभु इस पर क्यों जोर देता है, हम परमेश्वर को पहला सबसे उत्तम क्यों दे। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ये सही नहीं है, लेकिन ये तो अद्भुत विचार है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस तरह से तुम दिखाते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में पहले हूं और मैं तुम्हारे जीवन में सबसे उत्तम हूं, कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए सबसे पहली जगह है। इसे कैसे दिखाए? विश्वास ऐसी बात नहीं जो केवल दिल की ही बात हो, और ये तो हमेशा आपकी क्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है। देने के द्वारा आप अपने दिल की बात को प्रकट करते हैं, हमेशा आप अपने दिल की बात को प्रकट करते हैं, अपने शब्दों से, अपने कामों से दिल की बातों को प्रकट करते हैं। अगर आपका दिल प्रभु से प्रेम करता है, आप उसे अपना स्रोत मानते हैं और आप निश्चय उस पर विश्वास करते हैं कि वो आपकी जरूरतों को पूरी करता है, वो आपके लिए सब कुछ है और केवल वही है जो आपकी देखभाल करता है, आपको थामे रहता है, आपके लिए प्रयोजन करता है, और आपके जीवन में आप किसी पर आधारित नहीं रह सकते हैं, और इसलिए आप उसे सबसे पहले और सबसे उत्तम मानते हैं, और इसलिए आप अपनी क्रियाओं के द्वारा दिखाते हैं कि वही तो पहला है और वही सबसे उत्तम है। अब ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं जो कभी इसे नहीं समझते हैं, अपनी बातों को वो कहते हैं, वो सारी बेकार की बातों को अपने घर से निकाल कर अलग रखते हैं और देख कर कहते हैं, शायद पास्टर से पूछते हैं क्या चर्च को इसकी ज़रूरत है, शायद प्रचारक को ये चाहिए, वो बेचारे हैं, शायद उन्हें ये ज़रूरत है, चर्च को चाहिए, तो हम ये सब कुछ उठाकर चर्च में दे देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ये पुराना हो गया है, पुरानी फैशन का है और हम इसे अभी अपने पास नहीं रख सकते हैं, बहुत सी जगह घेरे हैं, किसी काम का नहीं है, अगर बेचे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो चलो इसे चर्च को दे देते हैं। अब परमेश्वर चर्च को ऐसे कचरा खाना बनाना नहीं चाहता। चर्च ऐसा कचरा खाना नहीं कि अपना घर का सारा कचरा निकाल कर यहाँ पर डाल दें। जानते हैं रेनहर्ड बॉन्ग की, जो एक जर्मन प्रचारक हैं, मैं जानता हूँ आप पहचानते हैं, और जब उन्होंने सेवा शुरू की तो लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। वो अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, कुछ सभाओं में हजारों हजार लोग आते थे और उन्हें कुछ ट्रक की ज़रूरत थी, लॉरीज की, कि स्टेज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेकर चले, और तंबू और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत से ट्रक्स चाहिए थे और वो इसके किराए में बहुत खर्च कर रहे थे। सोचा कि इसे खरीद ले, तो बहुत कोशिश की लेकिन इतना पैसा नहीं रेज कर पाए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो पुराने ट्रक्स जो किसी काम के नहीं रहे उसे ले और उसे खरीद लेंगे और उसे ठीक करेंगे किसी के द्वारा कि उसे चला सके। तो वो जंक यार्ड में गए थे कहीं पर अफ्रीका में कि ऐसे पुराने ट्रक्स को ढूंढें जो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सस्ते में उन्हें मिल जाएंगे, और उस पर थोड़ा पैसा खर्चा करके उसे तैयार कर लें। और जैसे वो वहाँ खड़े थे और ऐसे बहुत से ट्रक्स उनके सामने थे, वो परेशान हो गए। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और कहा, प्रभु मेरी मदद कर, तू जानता है मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मेरे पास ट्रक्स नहीं है, मुझे ट्रक्स की ज़रूरत है, इसलिए तू मेरी मदद कर, यहाँ पर मुझे अच्छा ट्रक दिखा प्रभु। और जानते हैं प्रभु ने वहाँ पर उनसे बातें करके कहा, रेनहर्ड तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं मिलूंगा, ये तो जंक यार्ड है। शोरूम में आना, मैं वहां पर हूं। और उस दिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीख गए कि परमेश्वर जंक यार्ड के काम में नहीं है। तो उन्होंने नए ट्रक्स के लिए विश्वास करना शुरू किया और अपनी सेवकाई के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे नए नए ट्रक्स खरीद लिए और उन्हें बहुत से ट्रक्स की जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने सारी जरूरतें पूरी कर दी। यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ों का उपयोग करने के बाद, यानी कई साल तक उसका उपयोग करने के बाद में हम उसे रिटायर करके चर्च को दे देना चाहिए या परमेश्वर को दे दे, क्योंकि परमेश्वर अभी उसके साथ में निपट सकता है, क्योंकि अगर इसे अभी नहीं देंगे तो इसे संभाल कर रखने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो चलो परमेश्वर को दे देते हैं, वो इससे निपटते बैठेगा। सोचते हैं अगर चर्च को देंगे तो प्रभु चमत्कार करके इसे ठीक करेगा। प्रभु चर्च पर अनुग्रह करता है, चर्च तो बहुत ही गरीब है, परमेश्वर प्रचारक की मदद करेंगे कि इसे काम में लाएं, और इस तरह प्रचारक के पास में सारा कचरा आ जाता है इस संसार में। लेकिन बाइबल कहती है केवल इसी तरह से परमेश्वर को दे सकते हैं कि आप सबसे पहले दे और सबसे उत्तम दे। दूसरे किसी तरह से दे तो बाइबल कहती है कि दिल सही नहीं है, हमारे दिल की इच्छा हो कि परमेश्वर को सबसे उत्तम दे। जब प्रभु के लिए कुछ करना चाहे तो आप उसके लिए सबसे उत्तम करते जाएं।
जो सबसे उत्तम है वही आप परमेश्वर को देते चले जाए, उत्तमता में और सारी बातों में परमेश्वर को दे। अब चलिए एक और वचन देखें, निर्गमन 34 वचन 26। अपनी भूमि की पहली उपज फिर से उसका पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। ठीक है, यहाँ पर पहली उपज का सबसे उत्तम भाग, सब लोग कहिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा। ठीक है, अब नीति वचन अध्याय 3, नीति वचन 3:9-10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर प्रभु का आदर कर, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ठीक है, मुद्दा है प्रभु का आदर करना। मैं आने वाले हफ्तों में इसके बारे में बताते जाऊंगा। मुद्दा यह है कि प्रभु का आदर करे, उसका सम्मान करे। जिस तरह से हम देते चले जाते हैं वो ऐसे हो जो परमेश्वर को आदर दिखाए, सम्मान करें, यही तो मुद्दा है। ठीक है, गिनती 18 में चलते हैं। गिनती 18:12। उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को देते हैं, मैं तुझको देता हूं। लोगों ने प्रभु को क्या दिया? सबसे उत्तम तेल, सबसे उत्तम दाख मधु और गेहूं और पहली उपज। यानी लोगों ने पहली उपज लाई और सबसे उत्तम उपज लेकर आए। देखिए, खेतीबाड़ी का जो समाज होता है, देखिए इन दिनों में हम क्या करते हैं, चेक लिखते हैं और ऑफरिंग बॉक्स में डाल देते हैं या हम कुछ कैश देते हैं। वो खेतीबाड़ी का समाज था, वो तेल या फिर गेहूं या अनाज लाते थे, यानी दाखरस या जो भी वो उत्पादन करते थे लाते थे, या जो भी व्यापार करते, कुछ भेड़े लाते तो कुछ बकरियां लेकर आते थे, कुछ लोग लेकर आते तेल तो कुछ अनाज तो कुछ दाखरस लाते। तो वो कैसे लेकर आते? केवल पहली उपज नहीं लेकर आते थे, लेकिन साथ में ही वो सबसे उत्तम लाते। इस तरह से ये कहता है, देखिए वो सबसे उत्तम लेकर आते, क्योंकि यहां पर ये कहता है, यहां इस वचन में अभी हमने जो पढ़ा है गिनती 18 से वचन 12, तो ये कहता है कि सबसे उत्तम से उत्तम तेल और सबसे उत्तम दाखरस और सबसे उत्तम अनाज। अब चलिए इसे देखते हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि वो क्या लेकर आए हैं, ये इस बारे में है कि जब वो उसे लेकर आए तो उन्होंने क्या सोचा, लाते वक्त उनके दिल में क्या था। सबसे पहला और सबसे उत्तम, जरा इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर इसके लिए क्या करेगा। इस संसार से आप जो भी लेकर आ जाएं, चाहे बकरी लाएं, आपको लगेगा ये सबसे अच्छी है, लेकिन परमेश्वर माइक्रोस्कोप लेकर उसके अंदर बहुत सी हजारों गलतियां दिखाएगा जिसे आपने नहीं देखा है। शायद आप भेड़ लेकर आएंगे परमेश्वर के सामने, कहेंगे कि ये सबसे उत्तम है, ये पतन पाया संसार है, सब में कुछ ना कुछ समस्या है, भीतर बाहर कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। अगर परमेश्वर आपके अंदर गलती ढूंढना चाहता है तो वो माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ सकता है, और आपने जो भेड़ चढ़ाई है उसमें वो हजारों गलतियां ढूंढ सकता है। लेकिन परमेश्वर उस बकरी या भेड़ को नहीं देख रहा है जो आपने लाई है, जो भी आप लाए हैं सामान्य रूप में। देखिए, बस यही है कि आपने देखा कि यह आपके लिए सबसे उत्तम है, आपकी समझ के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार ये आपके लिए सबसे उत्तम थी, और आप जो भी जानते हैं उसमें आपने देखा कि ये तो आपके लिए सबसे अच्छी है, और आपने अपने दिल से सबसे उत्तम को चुना और उसे आप परमेश्वर के पास लेकर आए। तो परमेश्वर माइक्रोस्कोप लेकर आपने जो भी लाया उसके अंदर हजारों गलतियां नहीं ढूंढता है, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। जब आप उसे परमेश्वर के पास लेकर आ रहे थे तो दिल में क्या सोचा? परमेश्वर जानता है संसार में कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आपके दिल में, यानी परमेश्वर दिल को देखता है और मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, यानी परमेश्वर विश्वास को देखता है। जो दिल से दिया गया है वो विश्वास से दिया गया है, और परमेश्वर के लिए ये निश्चय ही स्वीकारनीय है, और जो विश्वास से नहीं दिया गया वो स्वीकार करने के लायक नहीं है। यानी सबसे पहला और सबसे उत्तम देना, ये तो हमारे दिल के अंदर का जो विश्वास है उसे प्रकट करना है, क्योंकि विश्वास पूरे दिल के साथ में देता है। जब आप आराधना के लिए आते हैं, कैसे आराधना करते हैं? इस चर्च में हम अच्छी आराधना करते हैं, मुझे पसंद है। सभी लोग कहते हैं कि आपके चर्च में सभी लोग गाते हैं। एक भाई ने कहा, एक पास्टर ने कहा, सुनकर चकित हो गए कि सब गाते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे चर्च में उनको कहना पड़ता है गाओ गाओ, सभी लोग गाओ, सब मिलकर गाओ, और कोई भी नहीं गाता है, और यहाँ पर चर्च में सब गा रहे हैं। ये देख कर वो पूरी तरह से चौंक गए थे, कहा मेरे चर्च में गाना गवाना मुश्किल है। जानते हैं, उनसे कहना पड़ता अपने हाथ उठाकर इस तरह से हिलाओ, और फिर सब लोग बस इसी तरह से करते, और फिर कहते हैं सभी लोग मिलकर 3 बार हालेलुया कहिए, और वो 3 ही कहते, उससे बढ़कर नहीं, क्योंकि ये उनके दिल में नहीं है, ये दिल में नहीं है, इसलिए किसी को उन्हें कहने के लिए उकसाना पड़ता है। जानते हैं, लेकिन ये इस तरह से यहाँ नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके दिल में विश्वास है, प्रभु के लिए अच्छी मनोदशा रखते हैं, प्रभु के लिए अच्छे विचार रखते हैं। जब यहाँ पर आते हैं वो तैयार होते हैं कि प्रभु को धन्यवाद दे और उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते जाएं और उसकी स्तुति करते जाएं। यानी जब वो आराधना करते हैं तो अपने पूरे दिल से आराधना करते हैं, क्योंकि उनके दिल में विश्वास है और वो अपने आराधना के द्वारा उसे दिखाते हैं। जो आराधना वो देते हैं वो तो सबसे उत्तम आराधना है, अधूरे दिल की नहीं लेकिन सबसे उत्तम आराधना। कुछ लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, दूसरे लोग लेकर आते हैं, आप फर्क देख सकते हैं। वो बस वहाँ पर खड़े रहेंगे और अपनी घड़ी देखते चले जाएंगे, कब ये सब खत्म होगा और हम घर चले जाएंगे। हाँ, ये प्रचारक इतना समय क्यों प्रचार कर रहे हैं, मुझे लगा बस 5 मिनट होगा, ठीक है। मैंने सोचा हम पर पानी छिड़केंगे, कुछ आशीष कहेंगे और फिर हमें घर भेज देंगे, लेकिन ये बाइबल से प्रचार कर रहे हैं। हाँ, दो दो बाइबल हैं, क्या ये ज़रूरी है? यानी यहाँ पर क्या हो रहा है जानते हैं। और इसे वो नहीं समझते, इसलिए उनकी आराधना पूरे दिल से नहीं होती है, वो सबसे अच्छी आराधना नहीं देते, क्योंकि विश्वास उनके दिल में नहीं है और प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छी आराधना नहीं कर सकता है। शायद वो बस जुड़ जाए और थोड़ा सा गीत गाए, लेकिन सबसे अच्छी आराधना नहीं कर सकता है। जिसने उसे लाया उसकी ओर देखता है, सोचता है कि ये पागल है, ये तो सबके सामने ऐसे करना, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती है? वो उसे नहीं समझता है, क्योंकि वो नहीं समझता है कि विश्वास ही वो चीज है जो सबसे अच्छी आराधना लेकर आता है। जब प्रार्थना करते हैं तो कैसी प्रार्थना करें? सबसे उत्तम प्रार्थना, हाँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देखिए, जब आप गाते हैं तो कैसे गाते हैं? सबसे अच्छे गाते हैं, सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। मैं प्रचार कर रहा हूँ, अपनी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश करता हूँ, और मैं इसे ऐसे ही नहीं करता हूँ, यानी अधूरे दिल से नहीं करता हूँ, मैं पूरी तरह से इसकी ओर ध्यान देता हूँ, मैं इस पर मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी कोशिश करनी है, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ जो मैं प्रचार करता हूँ, ये प्रभु के लिए सेवकाई है, यानी इसे पूरे दिल से करना होगा, यानी ये पूरे दिल से की जाती है, मैं सबसे उत्तम कोशिश करता हूँ। यानी जानते हैं आप, सबसे अच्छी चीज़ देते हैं अपनी आराधना में, अपने गीत में, और जिस तरह से आप सुनते हैं सबसे अच्छी कोशिश करते हैं, और देने में भी हम सबसे अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अधूरे दिल से कुछ करने पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि देने में भी हम अपने दिल से देते हैं, परमेश्वर के लिए प्रेम के लिए देते हैं, प्रभु में विश्वास के कारण देते, इसलिए हमारा देना भी सबसे उत्तम होता है। और इसलिए जो लोग इसे नहीं समझते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि हम अपना सबसे उत्तम दे रहे हैं। आप देखेंगे दूसरे लोग दोष लगाते, कहते हैं मेरे प्रभु आप अपने चर्च को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। एक भाई ने उसे देखा जिन्होंने चर्च में कुछ पैसे दिए थे, कहा कि ये तो मेरे महीने की कमाई से बढ़कर है और आप मेरी कमाई से भी बढ़कर चर्च में दे रहे हैं, ओ मेरे प्रभु। पता नहीं प्रभु को क्यों पुकारते हैं। प्रभु स्वर्ग से नीचे देखकर कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि लोग कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन जो इसे कर रहे हैं, आप उससे पूछे तो उन्होंने प्रभु से आशीष पाई है और उन्होंने ये पाया कि ये काम करता है और उससे आशीष पाई है और आनंद उठा रहे, नहीं तो नहीं देते। यानी सबसे उत्तम, सबसे पहला और उत्तम, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं यहां पर सबसे पहले और उत्तम के बारे में। ये पाया जाता है उत्पत्ति 4 और इब्रानियों 11 में, देखते हैं। पहले इब्रानियों 11 देखें, एक उदाहरण के लिए समय है, बाद में हम अगले हफ्ते देखेंगे। एक व्यक्ति सबसे उत्तम और सबसे पहले देता है और परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है इसे देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण है कि यहां पर परमेश्वर इसके बारे में कहता है इब्रानियों 11 में, जिसे यहां पर विश्वास के वीर के बारे में कहा गया है। विश्वास के सभी जो वीर हैं उसके बारे में इब्रानियों 11 में लिखा गया है, और यहां पर ये व्यक्ति विश्वास के वीर के रूप में उसका नाम लिखा गया। ये तो उन वीरों में से एक था और ये तो सच में विश्वास का पहला वीर है, ये बताया गया है। उसके देने के कारण ही उसने अपने देने के द्वारा अपने विश्वास को दिखाया। अब देखिए वचन 4, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई। परमेश्वर इसके बारे में कहता है, उसकी भेंट स्वीकार करता है और उसके विश्वास के द्वारा, हालांकि वो मर गया, वो अब तक बातें करता है। यहां बहुत कुछ बताया गया। एक बात यह है कि हाबिल ने कैन से भी उत्तम ऐसा बलिदान चढ़ाया,
उसने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया, उसने कैन से भी उत्तम भेंट दी। इस तरह से यहां पर ये वचन बताता है। किस तरह से उत्तम है इसे हम बाद में देखेंगे कि किसी तरह से परमेश्वर इसके बारे में कहता है, और वो कहता है यहां पवित्र आत्मा के द्वारा कि इस व्यक्ति की भेंट तो कैन की भेंट से उत्तम थी। क्या यह हो सकता है कि कुछ लोगों की भेंट दूसरों की भेंट से उत्तम हो, और किस तरह से यह फर्क होती है? परमेश्वर कहता है हाबिल का बलिदान कैन से उत्तम था, और फिर यहां पर यह कहता है परमेश्वर ने उसकी भेंट के बारे में गवाही दी है। हां, और परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार करता है, और वो उसे स्वीकार करके इस तरह कहता है परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है और परमेश्वर इसे स्वीकार करता है, यानी दूसरे शब्दों में परमेश्वर इसकी सहमति देता है। परमेश्वर उसके बारे में कहता है, उसकी तारीफ करते जाता है उसकी भेंटों के कारण ही। क्या ये सच है कि परमेश्वर इन भेंटों को देखता है जो हम लेकर आते हैं और उसके बारे में कहता है, उसे लगता है ये तो दूसरे से अच्छा है और वो इसके बारे में कहता है? यहां पर ये मुद्दे उठते हैं, और फिर वो कहता है हालांकि वो तो मर गया लेकिन विश्वास के द्वारा अभी भी वो कहता है। अब देखिए, हाबिल आदम का बेटा था, और इब्रानियों के अध्याय 11 में यहां पर जो कहा गया है ये सारी बातें तो वहां पर बहुत समय पहले हुई थी, यानी उस समय क्या हुआ था ये इतने साल के बाद में कहा गया, अभी कहा गया, इतनी पीढ़ी के बाद में, हजारों साल के बाद में अभी भी इसके बारे में कहा गया है। वो मर गया है लेकिन फिर भी वो अभी कहता है। अब मैंने बहुत से फ्यूनरल संदेश सुने हैं इस पर कि ये मर गए फिर भी ये कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इसके संदर्भ के बारे में हमें समझा कर बताते हैं। और ये बात सही है कि लोग मरने के बाद भी उनका जीवन ऐसा है जो कि उनके मरने के बाद भी कहता है, लेकिन यहाँ पर वचन का संदर्भ ये है कि हालांकि वो तो मर गया लेकिन उसकी जो भेंट है वो अभी भी बोली जाती है। जिस तरह उसने दिया और उसने जो कुछ भी दिया, ये तो बहुत ही अद्भुत है, ये तो इतना विशेष है कि इसके बारे में हमें सीखना है कि परमेश्वर इसे बाइबल में रखता है, इसके बारे में कहता है और सबसे कहता है इसे सीखो, और बताता है कि यह ऐसा विश्वास है जो तुम्हारे अंदर में होना चाहिए, और यही वो तरीका है जिससे तुम्हें काम करते जाना चाहिए। Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign. And ever, how great your name.
Jesus.